नमस्कार दर्शकों, स्वागत है, मैं हूं द टेकन। तो कल आप लोगों ने देखा था टेक्नो पोवा 2 की अनबॉक्सिंग और आज मैं करने जा रहा हूं इस फोन का एक फुल रिव्यू। तो मैं इस फोन के गेम खेलूंगा, इसका कैमरास भी बताऊंगा और उसके साथ इसका बैटरी बैकअप और प्रोसेसर भी कितना तगड़ी है और डिस्प्ले का क्या सीन है, मैं सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक करते हैं। अब बात कर लेते हैं टेक्नो पोवा 2 की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी की बात करें तो ये फोन एक काफी अच्छा और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के लेके आता है। फिर भी अगर ये एक प्लास्टिक बैक वाला फोन है तब भी ये एक काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। आप अगर कहीं से भी दबाओ तो ये दबेगा नहीं और ये आप साउंड सुन सकते हो और इसमें एक साउंड भी आता है एक टेक्सचर वाला। और इसके सामने भी एक अच्छा पहले से ही एक स्क्रैच गार्ड दिया रखा है तो इसका बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी बेहतर लगा। अब इस फोन के इनहैंड फील की बात करें, हाथ में पकड़ने में आपको सिर्फ एक ही मालूम चलेगा कि ये एक बहुत ही लंबा फ़ोन है और ये काफ़ी चौड़ा भी है। तो अगर आपके हाथ बड़े हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके हाथ छोटे हैं तो ये फ़ोन आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है जो कि देखने में काफ़ी इमर्सिव लगता है। और इसमें एक 20.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो आता है जो कि किसी भी फ़ोन में नहीं आता है। अब पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो इस फोन के नीचे में हमें मिल जाता है कि USB टाइप सी पोर्ट, एक 3.5mm हेडफोन जैक, एक प्राइमरी माइक और इसके लेफ्ट साइड में हमें मिल जाता है एक सिम ट्रे। यहाँ पर अगर आपको शायद से नहीं दिखा, हाँ अभी दिखा, यहाँ पर ऊपर में हमें कुछ भी नहीं मिलता, ऊपर एकदम क्लीन है। और राइट साइड में हमें मिल जाता है एक वॉल्यूम रॉकर्स, अप एंड डाउन कीज और यहाँ पे मिल जाता है हमें पावर की, जिसमें हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी एम्बेडेड मिलता है। और पीछे में हमें टेक्नो पोवा का ये ऐसा डिज़ाइन मिल जाता है और बीच में एक टेक्सचर मिल जाता है। और यहाँ पे कैमरा पे आपको 48 MP का लोगो मिल जाता है। अब इसके सिम कार्ड ट्रे की बात करें तो इसमें हमें एक डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट मिल जाता है, मतलब इस पर आप 2 सिम कार्ड्स और एक microSD कार्ड भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की, तो इसमें एक बहुत ही बड़ी लगभग 6.9 इंचेस का एक FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले आ जाता है। बट इसमें कोई हमें हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता, 60Hz का ही नॉर्मल रिफ्रेश रेट है, बट हमें 180Hz टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है। तो अगर किसी को एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए, लाइक टैबलेट नहीं एक फ़ोन में ही बड़ा डिस्प्ले, मैं एक बार एक वीडियो प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका डिस्प्ले कितना बड़ा हो सकता है। तो मैं एक 4K वीडियो प्ले करता हूँ, 4K वीडियो, तो एक कोस्टारिका वाला वीडियो मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। साउंड ऑफ हो चुका है, तो अगर आप अभी डिस्प्ले को देख सकते हो कितना बड़ा है ये साइज में, मैं इसे बड़ा कर दूँ और इसका क्वालिटी में 1080p कर दूँ, तो अब आप क्वालिटी भी देख सकते हो डिस्प्ले का और ये डिस्प्ले कितना बड़ा हो सकता है वो भी आप देख सकते हो। तो ये डिस्प्ले इतना बड़ा है लगभग एक टैबलेट जैसा, बट इन छोटा फॉर्म फैक्टर, तो इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। और अब डिस्प्ले की क्वालिटी भी देख सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा है। अब इस फोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें हाईवेज आता है बेस्ड ऑन एंड्रॉयड, जिसका वर्जन 7.6। इसमें 4GB का रैम आता है इस मॉडल में, 64GB का रॉम। इसमें फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, पीछे 48MP का क्वाड कैमरा मिल जाता है जिसमें से 3 कैमरा यूजलेस है। इसमें हेलियो G85 का प्रोसेसर मिल जाता है, 7000mAh का बैटरी मिल जाता है, 1080x2460 मतलब फुल HD डिस्प्ले मिल जाता है और एंड्रॉयड 11 मिल जाता है। मैं आप लोगों को एंड्रॉयड 11 का एक छोटा सा ये भी दिखा देता हूँ, ये आ गया एंड्रॉयड 11, तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है। अब इस फ़ोन के सेंसर्स की बात करें तो इसमें काफ़ी फास्ट साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आ जाता है जो कि लगभग 1 सेकेंड के अंदर ही, 1 सेकेंड क्या 10-20 माइक्रोसेकेंड के अंदर ही खोल देता है फ़ोन को। आप देख सकते हैं ये खुल गया और इसमें काफी एक फास्ट फेस अनलॉक भी आता है, आ गया, मेरा फोन बीच में आ रहा है, वरना ये और भी अच्छा आ सकता है। लाइक कितना फास्ट है आप देख सकते हैं। अब इस फोन के कुछ स्पेशल स्पेसिफिकेशंस की बात करें, फीचर्स की बात करें, तो इसमें एक वॉइस चेंजर वाला मोड आता है, मतलब अगर आप इसको टर्न ऑन कर दोगे तो इसमें एक नया, मतलब ये सिर्फ WhatsApp के लिए अवेलेबल है। अगर WhatsApp पे कोई आपको कॉल कर रहा है तो ये वॉइस चेंजर मोड अगर आप ऑन कर दोगे तो इससे आपका गला के आवाज़ बदल जाएगा। अभी इस फ़ोन में WhatsApp इंस्टॉल नहीं है इसीलिए ये नहीं दिखा रहा, बट अगर आपके फ़ोन में है तो आप कर सकते हो। उसके बाद इसमें एक स्पेशल किड्स मोड भी आ जाता है जो कि इधर से आपको मिल जाएगा सेटिंग से, तो यहाँ पे आप जो जो
एप्स डालना चाहते हो किड्स के लिए वो सिर्फ वो अवेलेबल कर सकते, इसके अलावा वो कुछ और ऐप वो अवेलेबल नहीं कर सकते। और इसके बाद इसमें एक पीक मोड भी आ जाता है, अगर आपको डिस्प्ले का कोई बाहर आप जा रहे हो और अगर आपको डिस्प्ले का सिर्फ इतना छोटा सा ही पार्ट दिखाना है तो आप ये पीक मोड से वो दिखा सकते हो सबको। और पकड़ लो आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हो या फिर कोई बस में, क्राउडेड बस में, तो आप कुछ देख रहे हो जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है या फिर आप किसी को दिखा नहीं सकते, तो ये पीक मोड से आप दिखा सकते हो। जैसे मैं अभी, इसका ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे दो लाइंस बन गई है, यहाँ पे एक और ऊपर एक, तो ऐसे आप एक पीक मोड भी आता है। और अगर हम बात करें और भी एक स्पेशल फीचर्स की, तो इसमें एक 360 डिग्री फ्लैश लाइट करके एक फीचर आता है जो कि फ्लैश लाइट से दबाने से चालू हो जाता है। अगर आप इसे कर दिए तो जो सामने का ये फ्लैश लाइट है जो कि डुअल मिलता है और पीछे का एक क्वाड फ्लैश लाइट है, ये दोनों एक साथ जल जाएगा। तो अगर आप कहीं पे हंटिंग पे जा रहे हैं या फिर घोस्ट हंटिंग कर रहे हैं तो ये एक फीचर आपको काम में आ सकता है। तो अब बात करते हैं टिकटॉक पोवा 2 के कैमरास के। तो इसके पीछे हमें क्वाड कैमरा मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा, फिर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का AI सेंसर। और इसके सामने बात करें तो इसके सामने एक 8 मेगापिक्सल का हमें फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल जाता है। तो मैं सैंपल्स लगा दूंगा वीडियो में आगे जो आपको दिखेंगे, उसमें आपको फर्स्ट 1x मिलेगा, फिर 2x मिलेगा, फिर 5x मिलेगा। और इसका जो जूम है वो अप टू 10x तक है, बट मैक्सिमम यूजेबल 2x ही है मेरे हिसाब से। और उसके बाद कुछ सेल्फीज भी आपको मिलेंगे, एक 14 मेगापिक्सल वाला शॉट भी मिलेगा और एक मैक्रो शॉट भी मिलेगा। तो वीडियो को एंजॉय करते रहिए, और मैंने 2 वीडियोस भी लगाए हैं। तो अभी आप ये जो वीडियो फुटेज देख रहे हैं वो एक सैंपल का टेक्नो 7 टेक्नो पोवा 2 का फ्रंट कैमरा से। और अभी मैं अगर कैमरा को घुमा तो ये कुछ फुटेज मिलेगा अगर आप टेक्नो पोवा 2 से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो। तो प्राइस के हिसाब से इसका कैमरा डिसेंट है, बाकी बस इतना ही। आप इस फ़ोन के कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें 2K में टाइप लैप्स मिल जाता है, ये अभी 2K में सेव्ड है। और इसके साथ हम इसमें 2K में नॉर्मल वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। उसी के साथ हम लोग इसमें अगर और भी कुछ करना चाहे, जैसे कि हमें स्लो मोशन वीडियो भी मिल जाता है, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ। इसमें अप टू 240 FPS का स्लो मोशन मिल जाता है, नॉर्मल 2K वीडियो रिकॉर्डिंग है। पीछे 4 और सामने की तरफ 2 सेल्फी फ्लैश लाइट मिल जाता है जो कि आपको डार्क एनवायरमेंट में ब्राइट इनफ पिक्चर लेने के लिए काफ़ी है। अब टेक्नो पोवा 2 के परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें हमें मिल जाता है मीडियाटेक हेलियो G85 प्रोसेसर, और इसके साथ LPDDR4X रैम और MMEMMC 5.1 का स्टोरेज सपोर्ट। मैं इसमें Geekbench 5 का स्कोर रन कर रहा हूँ, तो इसका स्कोर आते ही मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। मैंने एक छोटा सा गरेना फ्री फायर गेम प्ले भी ऐड करा है, तो उसे भी जरूर देखना और पूरे वीडियो देख के मेरा रिव्यू सुन के तभी डिसीजन लेना इसे खरीदना है या नहीं। तो आखिर स्कोर्स निकल के आ चुके हैं, तो बेंचमार्क के CPU का जो रिजल्ट है, सिंगल कोर स्कोर है 370 और मल्टी स्कोर है 1330, मतलब 1313। तो ये इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्कोर है। अगर आप लोग इसका कंपेरिजन देखें तो स्नैपड्रैगन 845 का स्कोर था 427 और इसका स्कोर है 370, और शामी रेडमी नोट 7 में जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 मिलता है उसका स्कोर था 331। और मल्टी कोर का स्कोर हम कंपेयर करें तो इसका स्कोर आता है 1313, जिसमें हमें मिल जाता है हेलियो G85। और इसके ऊपर है Redmi का Note 8 Pro जिसमें हमें G90T मिल जाता है जिसका स्कोर है 1575। और उसके ऊपर है Xiaomi Redmi Note 7 विद Snapdragon 660 1273। तो ये 10,000 के रेंज में काफ़ी एक अच्छा स्मार्टफोन बन जाता है विद दिस स्कोर्स। अब पारी है फ्री फायर खेलने की, तो ये मैंने खोल लिया और आप लोगों से गेम खेलने के बाद मैं मिलता हूँ।
तो वैसे मैं उसके बाद हार गया था, इसीलिए गेम को खत्म करना पड़ा। नहीं, मैंने कैसे हेडशॉट खाया वो तो मैं नहीं दिखा सकता सबको। तो अब बात करते हैं मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की। तो इसका जो मल्टीमीडिया काफी अच्छा है, मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो चला के दिखा देता हूँ। क्या चलाते हैं? चलो बचपन का प्यार चलाते हैं। बचपन का प्यार, हाँ मुझे मिल गया। तो इसमें आपको पहले से ही एक, अगर आप हम लोग वीडियो पे मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं अभी इसको क्वालिटी 1080p कर देता हूँ। ये हो गया 1080p और ये गाना हम चलने देते हैं फुल वॉल्यूम पे। तो इसका वॉल्यूम अब फुल है तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, तो इसका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। स्पेशली इसके जो बड़ा डिस्प्ले है, बहुत ही बड़ा 6.9 इंच का, उसके वजह से इसका स्पीकर थोड़ा यहाँ पे नहीं मिलता, इसका स्पीकर नीच में नहीं मिलता जैसे कि हम ऑलमोस्ट सारी फोन्स में मिलता है। इसका स्पीकर यहाँ फ्रंट फायरिंग है जो कि कैमरा के ऊपर मिल जाता है। साउंड लाउड मिलेगा पर थोड़ा सा मडेड मिलेगा, पर कोई नहीं, अगर आपके पास एक हेडफोन है तो इसके साथ आप लंबे सेशंस तक बिंज वॉच कर सकते हैं नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो और भी कुछ, क्योंकि इसमें हमें मिल जाता है एक मॉन्स्टर 7000mAh बैटरी। तो इसका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो अब इस फोन के और भी कुछ फीचर्स के बाद, पोवा 2 में हमें वाइड वाई, उसी के साथ हमें इसमें कैमरा टू API का सपोर्ट भी मिल जाता है, मतलब आप गूगल कैम इंस्टॉल करके दिखा सकते हो। और इसमें सार वैल्यू भी लिमिट में आता है जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो ये रहा सार वैल्यू टेक्नो पोवा 2 की। हेड के लिए है 1.032 वाट पर केजी और बॉडी के लिए 0.429 वाट, जो कि बिल्कुल सेफ लिमिट्स के अंदर आता है। तो इस फोन के ये थे कुछ स्पेशल फीचर्स। और हाँ, इसमें FM2 रेडियो का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे ऐप में जाकर जहाँ यहाँ पर FM रेडियो खोलना है, मिल गया FM रेडियो वाइल यूजिंग द ऐप, तो यहाँ पे FM रेडियो का भी सपोर्ट मिल जाता है। फाइनली कनेक्टिविटी की बात करें तो इस फोन में ड्यूअल 4G वोल्टी है, ड्यूअल वाईफाई बैंड से, वाईफाई 5 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ वाईफाई 6 का नहीं 5 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ भी 5 का सपोर्ट है। तो कनेक्टिविटी फीचर्स भी इस पे मस्त है ये। तो अब बात करते हैं इस फोन के रिव्यू की। तो टेक्नो पोवा 2 सच में एक बहुत ही अच्छा फोन है, और जो बड़े बड़े YouTube क्रिएटर्स बोलते हैं कि टेक्नो इन्फिनिक्स के फोन बहुत ही घटिया होते हैं, उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि एक बार इस फोन को एक्सपीरियंस करके देखें, क्योंकि ये सच में आउट ऑफ बाउंड्री स्पेक्स लेके आता है। लाइक एक 7000mAh बैटरी, एक 6.9 इंचेस का डिस्प्ले, और इसका एस्पेक्ट रेशियो काफी एक नया टाइप का है 20.5:9, जो कि सचराचर हमें फोन में नहीं मिलता है। और उसके बाद इस पर कैमराज भी अच्छा है, इसका प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है, और इसमें एक मुझे बहुत ही अच्छा बात लगा कि ये बिल्कुल हीट नहीं करता। जिस फोन से अभी करेंटली रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो S20 AV, वो बहुत ज्यादा हीट करता है, बट इस फोन में मैंने लगभग 1 घंटे लॉन्ग गेम खेले बट कुछ भी हीट नहीं हुआ। तो ये एक बहुत ही अच्छा फोन है। अगर आप लोग 10,000 के रेंज में कोई फोन ढूंढ रहे हो तो मैं बोलूंगा कि प्राइस रेंज को थोड़ा सा स्ट्रेच करके 11,000 तक जाए और इस फोन को जरूर से लें। आप इनसे नाराज नहीं होंगे ये फोन खरीद के, ये मेरा पक्का वादा है। और ये टेक्नो शायद अफ्रीका में जाए जो भी करे, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं करता। तो ये काफी एक अच्छा फोन है मेरे हिसाब से, और मैंने जिसके लिए फोन खरीदा मुझे भी लग रहा है मैंने राइट डिसीजन लिया। तो आप लोगों को भी लेना चाहिए। और इस वीडियो में अगर 2000 व्यूज आ गए तो मैं इस वीडियो का एक गिव अवे का सोचूंगा। तो पहले 2000 व्यूज पूरे कर दो इस वीडियो को, तब मैं सोच के बताऊंगा इसका गिव अवे करूंगा और आप लोगों से कोई भी दूंगा। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर से दबा ले। मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और एक आखिरी बार, आप हमेशा एक टेक केयर और टिल देन गुड बाय।